अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग को ये एक बात तो बताओगे कि सऊदी अरब में लोग जो है रमज़ान की डेकोरेशन और ईद की डेकोरेशन पर काफ़ी जो है ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो उसी का मैं जो है एक नमूना आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और मोस्ट जो है ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीसेज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बंदे रहे वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर केटल्स और जग आ चुके हैं, और उसी के बाद मैं भी आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल डेकोरेशन पीसेज दिखाता हूँ। ये इस तरह के आप लोग देख लें, ये जो है सिंपली जो है चार्ज हो जाते हैं, आप इनको चार्ज कर सकते हैं। सोलर चार्जिंग अभी फ़िलहाल इनमें नहीं है, कुछ कुछ में आई है। और उसी के साथ साथ ये आप लोग देखें इधर पीछे इस तरह के हैं यहाँ पर, और लाइट इनके अंदर तकरीबन सब के अंदर सेम ही होती है, मगर वायर जो है इसका थोड़ा स्टाइल सिर्फ डिफरेंट होता है। ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं, और जो मिरर का जो इस पर काम हुआ होता है तो वो मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा इन पर पसंद आता है। तो अभी आगे चलते हैं, ये आप लोग देख लें इस तरह के यहाँ पर है, ये तो नॉर्मल शॉप से मिल जाते हैं, और इनकी प्राइस है तकरीबन 6 रियाल। ये आप लोग देखें काफ़ी खूबसूरत, ऊपर रमज़ान करीम लिखा हुआ है, एक मस्जिद बनी हुई है। और मेरी तो बस ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब को जो है नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वाला आप लोग देखें इस तरह का, इसके अंदर एक लाइट लगी हुई है, और जो है काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर जो है इन्होंने सेटिंग भी की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और सऊदी अरब में लोग जो है काफ़ी पैसे स्पेंड करते हैं अपने इस तरह के डेकोरेशन पीसेस पर, और एक हफ़्ता पहले से जो ये लोग हैं तैयारी करना शुरू कर देते हैं रमज़ान की भी, और उसी के साथ साथ उम्रे की भी जो है ये लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। बेशक सऊदीया में कहीं पर भी रहते हो मगर एक बार उम्रा लाजमी है। बाद में तो बात यहीं पर आ जाती है कि जिसको अल्लाह बुलाए तो आखिर में तो वही आता है। तो पाकिस्तान में भी जो है उम्रे के पैकेज इस टाइम पर काफ़ी महंगे हो गए हैं, क्योंकि रमज़ान सिरा पास आता जा रहा है, तो उम्रे के पैकेज जो है इसी वजह से काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो उसी के साथ साथ ये आप लोग देखें इस तरह के कुशन, ये जो है खाली डेकोरेशन के लिए ये लोग इन इस तरह के कुशन को यूज़ करते हैं, और ये इस तरह के फ्रेम्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे मैं आप लोग को दिखाता चलूँ। और एक अपने घर में जो है यहाँ का ट्रेडिशन है कि अपने घर में एक कॉर्नर आप लोग लाजमी नमाज के लिए, कुरान के लिए और इबादत के लिए फ़िक्स कर देते हैं, ताकि जो है वो पाक भी रहे, और वहाँ पर जिसने जब जिस टाइम पर भी जाना है कुरान पढ़ना है, इस्तिगफार पढ़ना है, तो उसी टाइम पर जाकर वहाँ पर जो है आराम से कुरान पढ़ सकता है, नमाज अदा कर सकता है। इस तरह के यहाँ पर ट्रेडिशन है। तो यहाँ पर ये आगे आप लोग भी देखें वीडियो की टॉपिक की तरफ जो है थोड़ा सा दोबारा आते हैं, तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं ईद मुबारक की भी यहाँ पर अभी शुरू हो चुके हैं। ये आप लोग देखें काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन, उनका स्टफ़ भी जो है काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आगे आ चुके हैं बैग्स, इनके ऊपर जो है प्रिंट हुआ है रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक, और इनका जो है ट्रेडिशन जो है डेट्स का और गावे का वो जो है इसके ऊपर प्रिंट हुआ है। और ये आप लोग देखें रमज़ान यजमाना इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है रमज़ान विद अस। और ये आप लोग देखें ये डेकोरेशन के लिए है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी ये वाली वीडियो भी जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, आगे अपने अपनों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।